शस्त्रों के बल पर रोडवेज की बस में लूट। बदायूं से मुरादाबाद जा रही थी रोडवेज बस में लूट। बिलारी रोडवेज से चढ़े थे दो बदमाश। कंडक्टर से बदमाश बोले, हमारा मोबाइल घर पर रह गया है, बस रोको। कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा, हाथीपुर पर रोक लो। बिलारी से 3 किलोमीटर निकलने के बाद हाथीपुर गाँव के पास में रोडवेज को रोका। कंडक्टर के सीने पर तमंचा रखकर बैग छीना। बैग नहीं देने पर बदमाशों ने कहा, गोली मार दूंगा। इस बीच बदमाश और रोडवेज बस के कंडक्टर में हुई हाथापाई। कंडक्टर के बैग में नगद राशि और टिकट काटने की मशीन लेकर बदमाश फरार। बिलारी की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल पर बैठकर बदमाश वापस बिलारी की तरफ हुए फरार। बदमाशों ने चलती बस में तमंचे के बल पर की लूट। रोडवेज बस कंडक्टर से लूट की घटना से मचा हड़कंप। बस में सवार दो बदमाशों ने तमंचे के बल पर घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में बैरिकेडिंग कर तलाश की शुरू। आला अधिकारी मौके के लिए रवाना। थाना बिलारी के क्षेत्र गाँव हाथीपुर की पूरी घटना। वो आपस में बात करने लगे कि मुझे मेरा फोन रह गया, मुझे यहाँ उतार दो। तो मैंने गांव के पास, ये था जो गांव है, इसके पास गाड़ी धीरे की। वैसे ही एक बंदा मेरे सिनेप तमंचा उसने लगा दिया, कहा बैग दे नहीं तो गोली मार दूंगा। मैंने कहा मैं बैग नहीं दूंगा, गोली भले तुम मार दो। और उसे हाथापाई में दूसरे ने मुझे धक्का मारा तो बैग की तनी मेरे हाथी में रह गई, टूट गई। और बैग कूद के वो भाग गए। पीछे से एक बंदा बाइक लेकर आया, उसने गाड़ी घुमाई, बिलारी की तरफ चले गए। कितना कैश था आपके पास? 2000 रुपए। और कुछ सामान भी है? मशीन और बैग बेबिल। कितनी सवारियां थी आपकी गाड़ी में? सवारियां टोटल 8। थी। कोई मारपीट भी की थी आपके साथ? मारपीट क्या सर, तमंचा लगा दिया सीने में, तो आप गोली मार देंगे नहीं तो। कहां से बैठे थे वो बदमाश? बिलारी से, बिलारी बस स्टैंड से। अब ये और कितने की जो लूट हुई है वो कैसे हुई है, कितने की? ये बदायूं डिपो की बस थी, इसका परिचालक सत्यम त्रिपाठी थे जी। ये दो लड़के यहाँ से बिलारी बस स्टैंड से बैठे हैं, उसके बाद रास्ते में उन्होंने कंडक्टर से ये कहा कि हमारा मोबाइल छूट गया है, हमको यहाँ उतार दो। तो कंडक्टर ने बस उतर रुकवाई है। जैसे ही बस हाथीपुर के पास रुकी है, उसके बाद उसका बैग छीन के दोनों भाग गए। कुछ हथियार भी थे, उन्होंने हथियार दिखाए थे क्या? बाबू कंडक्टर साहब ने ये बताया है कि एक तमंचा हमें दिखाया है। तो कितने की राशि बता रहे हैं, क्या क्या सामान? 2000 रुपए। 2000 रुपए तो लूट हुई। अभी क्या पुलिस की तरफ से क्या सुमो टू एक्शन लिया जा रहा है? इसमें FIR दर्ज करके अब इसके सर्च कर उसको पता करेंगे। मिलेंगे तो है, अब तक कोई ऐसी लूट नहीं कि जो बिलारी में न खुली। ये भी खुलेगी, लुटेरे कपड़े जाएंगे, सब होगा।